ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग इस लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आप अपने मॉड्यूल्स निकालो, फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखो, इट इज़ आल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इस प्रॉब्लम को बेटे कैसे सॉल्व करूं? मैं क्या करता हूं, इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करता हूं। तो dx अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ माइनस बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर्स बनाता हूं तो क्या बन जाएंगे? इसके फैक्टर्स बन जाएंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो आई कैन से कि ये बन गया dx अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2 माइनस x, ये बन गया। अब पावर्स लाइक टर्म्स को क्लब करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन x माइनस 1 रेज टू पावर 3 बाय 2 इंटू 2 माइनस x रेज टू पावर 1 बाय 2, ये बना। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके लीनियर फैक्टर्स हैं और सम ऑफ पावर्स कितना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इज 2। याद आया क्या करना है इस प्रॉब्लम में? लास्ट लेक्चर में भी फर्स्ट प्रॉब्लम हमने इस टाइप से की थी। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ डिग्रीज 2 है तो एक की डिग्री पूरी 2 बना के सॉल्व करना होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी भी एक की डिग्री 2 बना देता हूँ। किसकी डिग्री 2 बनाता हूँ मैं? इसकी डिग्री 2 बनाता हूँ। तो व्हाट आई डू, देखो कैलकुलेशंस मैं इधर लिख रहा हूँ, आई विल राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 माइनस x अपॉन x माइनस 1, यही आ गया। मैंने क्या किया, इसकी डिग्री 2 बनाई और बैलेंस कर दिया। अब इस टर्म को मैं t डालता हूँ तो 2 माइनस x अपॉन x माइनस 1 को t डाला, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ dt अपॉन dx। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटे साथ साथ, आप लोग बताओ मुझे क्या मिलता है यहाँ पे। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डी टी बाई डी एक्स मैं कह सकता हूँ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई कैन से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है माइनस डी टी। अब इस प्रॉब्लम को मैं पूरा टी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू डाल दी माइनस डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है। अब ये क्या देगा, ये दे देगा माइनस ऑफ टी की पार माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या दे देगा, माइनस टी की पार हाफ अपॉन 1 बाय 2 प्लस सी, यानी माइनस 2 रूट टी प्लस सी। आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये ऑप्शन मिलती है। अब प्रॉब्लम की आप राइट साइड देखो, प्रॉब्लम की आप राइट साइड देखो तो आप कंपेयर करो एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा। जब आप कंपेयर करते हो एफ एक्स यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन वाला फंक्शन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। आप लोग देखो क्या आप लोग इस प्रॉब्लम को कर पाते, क्योंकि मैंने पहली फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि सम ऑफ डिग्रीज 2 हो तो इस प्रॉब्लम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सेम वही एप्लीकेशन आपकी दोबारा आ गई। आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक क्या आप लोग कर सकते थे इसे, ओके चलो कोई बात नहीं। मॉड्यूल की सेकेंड प्रॉब्लम देखो, मुझे दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। अब मुझे चेक करना है इसमें से एफ एक्स और जी एक्स क्या होगा।
तो बेसिकली क्या करना है, मुझे इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रल क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। कैसे करें बेटा इस प्रॉब्लम को, देखो व्हाट आई डू, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, तो ये बन जाता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अब इसे बेटा मैं स्प्लिट कर देता हूँ दो अलग अलग इंटीग्रल्स में, स्प्लिट करता हूँ दो इंटीग्रल्स में, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक एक करके दोनों इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, फर्स्ट वाला इंटीग्रल मुझे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इस इंटीग्रल को बेटे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे इसे कैलकुलेट, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है, ट्विन इंटीग्रल्स जिसमें आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, याद आ गया, ओके एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही आ गया। अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाऊंगा, तो इसे लिख दूंगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। अब देखो बेटा ये प्रॉब्लम क्या बनती है, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये क्या बन जाता है, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस वन बाय एक्स को टी डाला तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया, डी टी, तो ये बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ टी, यानी टैन इनवर्स ऑफ कितना आया, एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये आ गया। तो फर्स्ट इंटीग्रल आपका क्या बन गया, टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स बन गया, ठीक है, आपका फर्स्ट इंटीग्रल। इसको रिजल्ट को बाद में यूज करेंगे ऑप्शन मैच करने के लिए। मैं सेकेंड इंटीग्रल बेटे अब कैलकुलेट करूँगा, देखो ये मैं सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलेट करता हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस वन। इस इंटीग्रल को बेटे कैसे कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का, मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को टी डाला तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया, डी टी, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी बाय थ्री। अब ये आपका इंटीग्रल टी में क्या बन जाएगा, माइनस टू बाय थ्री डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, यानी माइनस टू बाय थ्री टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, यानी माइनस टू बाय थ्री टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये इंटीग्रल भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, मैं पूरा रिजल्ट बोर्ड पर लिखता हूँ यहाँ पे ऊपर। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आया, टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू बाय थ्री टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। अब अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो बेटा एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स आ गया एक्स माइनस वन बाय एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। ये कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, ये ऑप्शन आपको डी नज़र आ रही है, आपकी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, है ना। फिर से देखो मेन स्टेप क्या था इस प्रॉब्लम में, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस वन था, आपने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया और सेपरेट कर दिया। पहला आपका समथिंग लाइक ट्विन इंटीग्रल्स बन गया जो आपने ऑलरेडी सीबीएसई में पढ़ा हुआ है, और दूसरा तो इजी था, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब को टी डाला, ये हो गई आपकी प्रॉब्लम, और यहाँ से आपके पास एफ एक्स जी एक्स आ गए, क्लियर हो गया। ओके बेटा अगली प्रॉब्लम देखो मॉड्यूल में, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, प्रॉब्लम देखो बेटे बोर्ड पे आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब मुझे चाहिए कि यहाँ से आपका फंक्शन एफ एक्स क्या बनता है, तो दैट मीन्स एफ एक्स को मुझे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएट करोगे आपका इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स की टर्म्स को एक तरफ रखता हूँ, एफ एक्स और एफ डैश एक्स की, बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटे देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट खोल के, टू बी स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टू ए स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब देखो इसको मैं आगे अगला स्टेप कैसे लिखूंगा, मैं उधर लिखता हूँ बोर्ड पर, ध्यान दो, आई राइट इट एज टू बी स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब मैंने माइनस यहाँ पर बैलेंस कर दिया। ऐसे ही माइनस टू ए स्क्वायर साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर। अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो राइट साइड का इंटीग्रल देखो, एफ एक्स को अगर टी डालता हूँ तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, डी टी। तो ये बन जाता है इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यानी ये आ गया माइनस वन बाय टी। तो आपका राइट साइड पे क्या बना, माइनस वन बाय एफ एक्स बन गया। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, इसमें कॉस एक्स को टी डालता हूँ तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो ये बन जाता है माइनस टू बी स्क्वायर टी डी टी, टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो गया, टी स्क्वायर बाय टू। तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानि माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे इसमें देखते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो साइन एक्स को जेड डालता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी जेड। तो ये आ जाता है माइनस टू ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ जेड डी जेड, यानि माइनस टू ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय टू, यानि माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानि माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बना था, माइनस वन बाय एफ एक्स। माइनस साइन आपका थ्रू आउट कट जाएगा, माइनस साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाय एफ एक्स। यहाँ से एफ एक्स क्या आ गया, रेसिप्रोकल लेके एफ एक्स आ गया वन अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। कोई ऑप्शन मैच कर रही है आपकी, यस आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, आपकी बी ऑप्शन मैच कर रही है, ठीक है, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया है फिर दोबारा इंटीग्रेट किया है टू गेट द फंक्शन एफ एक्स। क्लियर हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो मॉड्यूल की। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे बताओ क्या करें इस प्रॉब्लम में, बताओ क्या हो सकता है, पहला स्टेप क्या करें, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप क्या करते हैं इसमें, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो आई राइट इट एज फर्स्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल, देखो क्या बनेगा, ये a माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो एक एक्स तो कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा, वो एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन। अब ये परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस परफेक्ट स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर अंदर जाके क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, है ना। फिर से देखो, न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर से तो ये आ गया, डिनोमिनेटर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो एक एक्स तो कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा, वो एक्स अंदर जाके क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और वो एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर के अंदर जाके क्या हो गया एक्स। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ अब ये प्रॉब्लम क्या बनेगी, मैं इधर लिखता हूँ प्रॉब्लम को, देखो ये प्रॉब्लम क्या बनेगी, इंटीग्रल ऑफ ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसका डेरिवेटिव मुझे ये नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट ए एक्स प्लस बी बाय एक्स इक्वल टू टी, यानि ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया, ये क्या बना डी टी। तो अब ये प्रॉब्लम क्या बन जाती है, डी टी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये बेटा क्या होता है फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स टी बाय सी प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स ऑफ ये आ गया ए एक्स प्लस बी बाय एक्स अपॉन सी प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई है ऑप्शन इस टाइप की, फोर्थ की कौन सी ऑप्शन आपकी आ रही है, फोर्थ की ऑप्शन आपकी सी ऑप्शन इससे मैच कर रही है एलसीएम लेके, तो आप क्या कहोगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, एक स्टेप था कि आपने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, एक सिंपलर सी फॉर्म बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा, अच्छी तरह देखो इस प्रॉब्लम को, ओके मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फिफ्थ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम दी हुई है बेटा, बोर्ड पे लिखते हैं, x की पावर 5 बाय 2 अपॉन x की पावर 7 बाय 2 प्लस x की पावर 6 dx। राइट साइड मुझे दी हुई है, मुझे कंपेयर करना है a प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी इसमें। तो व्हाट आई डू, फर्स्ट स्टेप मैं डिनोमिनेटर में से x की पावर 6 बाहर निकाल देता हूँ, x की पावर 6 बाहर निकालूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बाय x की पावर 5 बाय 2 प्लस 1, ये आ जाएगा। नाउ ये क्या बना, ये बन जाता है आपका dx अपॉन x की पावर 7 बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय x की पावर 5 बाय 2। इसको t डालता हूँ तो ये डेरिवेटिव दिया हुआ है कॉन्स्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन उस तरफ करता हूँ, व्हाट आई डू, 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 बाय 2 को मैंने डाला t, माइनस 5 बाय 2 इंटू एक्स की पावर 7 बाय 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो मैं कह सकता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 7 बाय 2 की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 2 बाय 5 डी टी। अब इस पूरे इंटीग्रल को मैं डी टी के टर्म्स में लिखता हूँ, तो ये क्या आ गया, ये आ गया कितना आया, माइनस 2 बाय 5 डी टी, और इसको टी डाला था, डी टी अपॉन टी क्या हो गया लॉग टी, लॉग ऑफ टी प्लस सी, यानी माइनस 2 बाय 5 इंटू लॉग ऑफ टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी क्या था आपका, ये फंक्शन था 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 बाय 2 प्लस सी। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेते हो तो क्या आता है, एक्स की पावर 5 बाय 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बाय 2 प्लस सी। यहाँ तक आ गया बेटे, अब यहाँ देखो आप उधर ऑप्शन देखो, ये दोनों रेसिप्रोकल बन रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ माइनस साइन को लॉग की पावर में ले जाता हूँ, तो 2 बाय 5 इंटू लॉग ऑफ बेसी में
1 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 2 अपॉन एक्स की पावर 5 बाय 2 की पावर माइनस 1। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की। अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, इस प्रॉपर्टी से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 2 बाय 5 इंटू लॉग बेस ई में क्या आ गया, एक्स की पावर 5 बाय 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 2 प्लस सी। अब ये आपका सॉल्यूशन आ गया है इस इंटीग्रल का। और आप RHS देखो, RHS आपको ये दिया हुआ है, तो इसको और इसको कंपेयर करना है। तो देखो लैम्डा कितना आ रहा है, 2 बाय 5, और कंपेयर करते हो ए कितना आता है, 5 बाय 2। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस लैम्डा। ए प्लस लैम्डा क्या हो गया, 5 बाय 2 प्लस 2 बाय 5, तो कितना आ गया, 29 बाय 10 इज 2.9। मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस लैम्डा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2। आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो जाएगी, आपकी बी ऑप्शन मैच हो जाएगी, हो जाएगी ना, है ना। ओके, मेन स्टेप क्या था इस प्रॉब्लम में, आपने डिनोमिनेटर में से एक्स की पावर 6 को बाहर लेना था, आगे वो फिर फॉर्म बन रही थी ये वाली, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग ऑफ एफ एक्स, वो फॉर्म बन गई आपकी। प्रॉब्लम क्लियर हो गई। ओके, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, रीड करो, ये दी हुई है आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैसे स्टार्ट करें इस प्रॉब्लम को, ध्यान से देखो, इंटीग्रल आपको साइन कोसाइन के टर्म्स में दिया हुआ है, ऑप्शन सारी आपको टैन के टर्म्स में दी हुई है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप लोग क्या करोगे, आप इस इंटीग्रल को टैन के टर्म्स में बनाने की कोशिश करोगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, डी एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू रूट ऑफ साइन 2x को लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन गया, डी एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस की पूरी पावर्स क्लब करता हूँ, साइन की पूरी पावर्स क्लब करता हूँ, तो क्या आ गया, डी एक्स अपॉन कॉस रेज टू पावर 7 बाय 2x इंटू साइन रेज टू पावर 1 बाय 2x। टोटल डिग्री कितनी है, 4। तो क्या करूँगा, मैं करूँगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या बनती है, सीकेंट रेज टू पावर 4x dx अपॉन रूट टेन एक्स बनेगा, ठीक है। अब एक सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं डेरिवेटिव के लिए रहने देता हूँ और एक सेक्स स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, अंडरस्टूड है। मुझे क्या करना है, टेन एक्स को t डालना है, टेन एक्स को डाल दो t, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका क्या आ गया, डी टी। आपकी प्रॉब्लम क्या बन जाती है, 1 बाय 2 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट टी डी टी। इसे जब स्प्लिट करते हो तो टी की पावर 3 बाय 2 प्लस टी की पावर माइनस 1 बाय 2 डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा, टी की पावर 5 बाय 2 2 बाय 5 प्लस 2 रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल देता हूँ, तो टेन एक्स रेज टू पावर 5 बाय 2 प्लस 2 रूट टेन एक्स प्लस सी। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रही है, ऑप्शन मैच हो रही है। देखो 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो क्या आ गया, रूट टेन एक्स प्लस 1 बाय 5 इंटू टेन एक्स रेज टू पावर 5 बाय 2 प्लस सी। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है, चेक करो कौन सी ऑप्शन है, आपकी डी ऑप्शन मैच हो रही है। क्लियर हो गया बेटा। ओके, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 7 मॉड्यूल में देखो, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ई की पार एक्स है, ई की पार एक्स मतलब बेटे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई की पार एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। आपको पता है ये रिजल्ट क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। हाँ जी, अब आप बताओ मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, कैसे कर सकते हो, मतलब मुझे एफ एक्स भी बनाना है और एफ डैश एक्स भी। देखो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे करूँगा, बोर्ड पे ध्यान दो। व्हाट आई विल डू,
मैं से लिखता हूँ e की पावर x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, यही आ गया। इसे मैं स्प्लिट करता हूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अगला स्टेप बेटे क्या करोगे, मैं क्या करता हूँ इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। तो e की पावर x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, यहाँ तक आ गया। अब एक x प्लस 3 एक x प्लस 3 आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ये आ गया। अब देखो अगर मैं इसको t पुट करता हूँ तो चेक करता हूँ क्या ये उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, तो मैं इधर कैलकुलेशंस करता हूँ। मैंने क्या किया, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 को t डाला, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो dt बाय dx मेरे पास क्या आ जाता है, 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका एफ एक्स बन गया, ये आपका एफ डैश एक्स बन गया। तो फॉर्मूला e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, मेरे पास आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आप देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, यहाँ पे आपकी ऑप्शन डी मैच हो रही है, ठीक है, तो आप डी ऑप्शन को टिक कर दोगे, ठीक है। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, 7 को ब्रेक किया 6 प्लस 1, इसके फैक्टर्स बनाए, एक एफ एक्स बन गया एक एफ डैश एक्स बन गया, रिजल्ट आ गया e की बार x इंटू एफ एक्स प्लस सी। मॉड्यूल में बेटे और सॉल्व एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने के बाद गो विद द असाइनमेंट्स, आप थ्रू हो जाओगे विद प्रॉब्लम्स ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। टॉपिक क्लियर हो गया, ओके डियर, थैंक यू।